Hello everyone. In today's physics class, we are going to discuss about the distance. What is the distance? Distance is a physical quantity. आपको पता है डिस्टेंस क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी. अगर आपको पूछा गया आपका घर आपके स्कूल से कितने डिस्टेंस पे, तो आप क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे. वो तो हो डिस्टेंस, बट डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, वही आज हम स्टडी करने वाले. तो लेट्स स्टार्ट. पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डिस्टेंस की. डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी बिटवीन द टू पॉइंट इन विच इट मूव्स. डिस्टेंस क्या है? एक बॉडी ने एक्चुअल कितना पाथ फॉलोड किया है, कितनी लेंथ फॉलोड की है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस. सपोज एक पॉइंट ए और एक बी पॉइंट है. ए पॉइंट पे एक बॉडी है. अगर इस ए पॉइंट पे जो बॉडी है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया और वो बी पॉइंट तक चली गई, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या कहेंगे? इस बॉडी ने एक्चुअल कितना पाथ फॉलोड किया है? 1 मीटर. सो 1 मीटर इज अ डिस्टेंस. एंड ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीटर. डिस्टेंस का यूनिट क्या ऐसा है? मीटर. बट वी आर टेकिंग अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. फॉर अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी आर टेकिंग अ यूनिट मीटर एंड सेंटीमीटर. एंड फॉर अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वी आर टेकिंग द यूनिट किलोमीटर एंड माइल्स. देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम क्या यूनिट लेंगे? मीटर एंड सेंटीमीटर. एंड फॉर अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस किलोमीटर और माइल्स. आपको कोई कपड़ा खरीदना है, अगर आप शॉप में गए तो आप क्या कहेंगे? मुझे 1 मीटर का कपड़ा चाहिए या मुझे 80 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए. तो सेंटीमीटर और मीटर, वहाँ पे क्या लिया आपने? शॉर्टेस्ट लेंथ ली उस कपड़े की, यानी कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए आपने क्या लिया? सेंटीमीटर और मीटर. बट वही आपसे पूछा गया आपका घर स्कूल से कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो आप क्या कहेंगे? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर. तो क्या हुआ? किलोमीटर, यानी कि लॉन्गेस्ट डिस्टेंस. सो वी आर टेकिंग अ यूनिट किलोमीटर. दिस इज द यूनिट. सो व्हाट इज द डिस्टेंस स्टूडेंट? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी. बॉडी ने एक्चुअल कितना पाथ फॉलोड किया है. अब हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, अब ये आपका है स्कूल और आपका घर. तो आपके घर से आपके स्कूल पे जाने के लिए दो रास्ते, ये जो दिख रहा है आपको एक और ये एक. एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट वे और ये एक्चुअल वे. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट. ये डिस्प्लेसमेंट है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आज के वीडियो में हम सिर्फ डिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले. तो सपोज आपका घर आपके स्कूल से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर. यानी कि ये एक्चुअल पाथ कितना है? 5 किलोमीटर. सो अगर ये बॉडी, यानी कि आप ये चलकर या साइकिल पे 5 किलोमीटर आपने कवर किया है, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर. तो देखिए, अब यहाँ से आप यहाँ चले गए, फिर यहाँ टर्न आया, फिर यहाँ पे टर्न आया, तो आपकी डायरेक्शन क्या हुई? हर बार चेंज हुई है. तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. देयर इज अ नो नीड ऑफ डायरेक्शन फॉर डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, यानी डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. एक और एग्जांपल के साथ हम डिस्टेंस को समझते हैं. देखिए, एक बॉय, लड़का है जो ए पोजीशन पे खड़ा है. अब उसने 3 मीटर वो चलकर बी पोजीशन पे गए, यानी कि वो नॉर्थ में 3 मीटर चला गए. फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, बी से वो सी पॉइंट तक चला गया, ईस्ट में 5 मीटर डिस्टेंस. फिर सी से डी पॉइंट तक, यानी वो साउथ में चला आया 3 मीटर से. फिर डी से ए पॉइंट तक,
वेस्ट में, यानी 5 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। तो इसने क्या किया है, हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज की। तो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर, उस लड़के ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है? तो पहला वो 3, ये 5, ये 3 और ये 5, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 16 मीटर। यानी कि एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ कितनी कवर की है, फॉलो की है उस लड़के ने, 16 मीटर। सो डिस्टेंस इज अ 16 मीटर। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। बॉडी ने एक्चुअल कितना पाथ फॉलोड किया है, यानी कि इस लड़के ने एक्चुअल कितना पाथ फॉलोड किया है, 16 मीटर। डायरेक्शन तो उसने चेंज की हर बार, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज अ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए, यानी डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब देखिए, ये आपका घर है और इस भाई साहब की ये फैक्ट्री है। यहाँ पे बीच में बहुत सारे हिल्स हैं, तो उसे घर से फैक्ट्री जाना है, तो उसे बीच में बहुत सारे टर्न आने हैं यहाँ से यहाँ। तो सीधे रास्ते चला गया तो उसका डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। बट उसके लिए एक शॉर्टकट भी है, शॉर्ट वे, वो डिस्टेंस कितना है, 120 मीटर। एक्चुअली दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, मैंने पहले भी बोला दिस इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस वर्क करने वाले। तो पहले हम डिस्टेंस ही पढ़ रहे, तो उसे इतना डिस्टेंस कवर करके जाना ही होगा, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस उसको कवर करना है। सो दिस इज द डिस्टेंस, एक्चुअल उसने कितना लेंथ, कितना पाथ फॉलो किया है, सो डिस्टेंस, एंड उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने एग्जाम्पल के एग्जाम्पल थ्रू देखा, हर बार क्या होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस विल नेवर डिक्रीज, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, यानी कि वो नेगेटिव नहीं आता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, आप यहाँ पे खड़े हैं और आप भाग कर यहाँ पे आए, सपोज 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो आप कभी कहेंगे मैंने -1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, नहीं, यानी कि डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड डिस्टेंस नेवर डिक्रीज, यानी कि डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता, सो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता, यानी कि वो नेगेटिव नहीं होता, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स डिपेंड्स अपॉन अ पाथ चूजन, डिस्टेंस डिपेंड अपॉन द टू गिवन पॉइंट, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के पाथ पे डिपेंड होता है। अगर यही एग्जांपल हमने लिया, ए ए पोजीशन ए और ए बी पोजीशन है, तो ए से बी जा ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, और अगर ऐसे आप चले आए तो ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ऐसे चले आए तो ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो उसके पाथ पर डिपेंड होता है कि आप कितना डिस्टेंस चल कर आते हैं। अब ए से बी जाने के लिए आप जाने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते, ए से भी जा सकते हैं, ये डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मीन्स आपके पाथ पर डिपेंड होता है, आपने कौन सा पाथ चूज किया है तो उसके ऊपर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेस एंड नेगेटिव नहीं होता, वो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द टॉपिक्स डिस्टेंस। थैंक यू।